हेलो किड्स, वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर स्कूल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो लास्ट चैप्टर वी हैड स्टडीड सीपीयू एंड डेटा प्रोसेसिंग, चैप्टर नंबर 4। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, चैप्टर नंबर 5, पार्ट 1। ओके, तो लेट्स बिगिन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? एक एप्लीकेशन है, विंडोज है कंप्यूटर की। ओके, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो आज हम सीखेंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम OS उसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली आफ्टर यू बूट द कंप्यूटर, मैनेजेस द रनिंग एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर, मैनेजेस ऑल द कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। बूट यानी क्या? व्हेन यू आर टर्निंग कंप्यूटर ऑन और रीस्टार्ट, व्हेन हम ओपन हम करते हैं जब कंप्यूटर को, तब वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। हमारी सारी एप्लीकेशंस एंड पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को वो मैनेज करता है। द ऑपरेशन सिस्टम एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो दोनों अलग अलग सिस्टम है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पहले रीड करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, इट्स कंट्रोल द हार्डवेयर सो दैट द कैलकुलेटर प्रोग्राम कैन रन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सारे जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, एंड इट कंट्रोल्स द हार्डवेयर। वो उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है कैलकुलेटर कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम को। ओके, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सिमिलर, सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डज दी स्पेसिफिक थिंग्स यू वांट द कंप्यूटर टू डू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे काम एक साथ में करता है जो हमें कंप्यूटर से चाहिए वो। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर वर्क्स लाइक अ रेगुलर कैलकुलेटर। कंप्यूटर का जो कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है वो हमारा डेली यूज़ वाला कैलकुलेटर होता है ना, रेगुलर हम जो यूज़ करते हैं, वैसा ही वो वर्क करता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारा कंप्यूटर के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो हमारा चैप्टर का नाम है ना, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सीरीज जैसा। सीरीज आपने देखी है? सीरीज यानी क्या? आप जो देखते हो ना स्पाइडरमैन की ना, सब सीरीज आती है, बहुत सारे उसके एपिसोड्स होते हैं, वैसे ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड इट इज़ मार्केट एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये एक माइक्रोसॉफ्ट है जो सोल्ड होता है। ओके, ये एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, कंप्यूटर के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये वो सोल्ड होता है मार्केट के अंदर ये सॉफ्टवेयर। ओके, मोस्ट पीसी यूज़र यूज़ अ विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर। पीसी यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो, हम उसको पीसी भी कह सकते हैं। मोस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर गेम्स आर डिज़ाइन टू रन ओनली ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम। बहुत सारे जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, जो वो सारी एप्लीकेशंस एंड गेम इसमें ही डिज़ाइन होती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम के अंदर। ओके, नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड डिस्कस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द विंडोज डेस्कटॉप। नाउ यहाँ पे हम आज डेस्कटॉप के सारे आइकन्स एंड फोटो से हम कुछ सीखेंगे। ओके, माई कंप्यूटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहला जो है ना, पहला एप्लीकेशन वो है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर अलाउज यू टू सी ऑल दी स्टोरेज ड्राइव्स फाइल्स फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। माई कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन है ना, वो हमारा सारा स्टोर करके रखता है हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स। ओके, कंप्यूटर के अंदर देन डॉक्यूमेंट्स, माई डॉक्यूमेंट्स वो हमारा सारा फोल्डर्स एंड फाइल जो हमने क्रिएट किए हुए हैं ना, वो हमारा सेव करके माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखता है। ओके, देन रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन एक डस्टबिन की तरह है। हम जब डिलीट कर दे रहे हैं ना कुछ चीज़ें, तो कंप्यूटर के अंदर रिसाइकल बिन की एप्लीकेशन है।
जहाँ पे हम डिलीट की हुई चीज़ को वापस देख सकते हैं। ओके, और नीचे स्टार्ट बटन लिखा है, तो स्टार्ट बटन तो आपको पता ही है, वहाँ से हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं। और उसके बाद में है क्विक लॉन्च। क्विक लॉन्च क्या है? वो पहले था, स्टार्ट बटन जब नहीं था ना, उसके पहले क्विक लॉन्च था, जिससे हम डायरेक्टली ही हमारे प्रोग्राम में जा सकते हैं। ओके, तो वो एक क्विक लॉन्च है, पर अब तो हम स्टार्ट बटन से जाते हैं, तो स्टार्ट बटन से भी जा सकते हैं और क्विक लॉन्च से हम तुरंत ही वही प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं। और टास्क बार लिखा है, वो हमारा टास्क बार वाली लाइन है जहाँ पे हमको सारा नोटिफिकेशन एरिया शो करता है, हमको कोई मैसेज आए तो, फिर हम जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं करंट वाली, तो वो हमें नीचे शो करती है, राइट। हमने वर्ड पैड के अंदर सीखा था ना कि डायरेक्ट वहाँ से फिर अंदर जा सकते हैं। पेंट में भी देखा था हमने, फिर से वो फाइल में जाना हो तो डायरेक्टली टास्क बार के ऊपर हमारी एप्लीकेशन रहती है। ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नाउ टास्क बार। टास्क बार डिस्प्लेज ऑल ओपन प्रोग्राम्स विद देयर नेम्स एंड आइकन्स। लुक एट द टास्क बार गिवन बिलो। टास्क बार क्या डिस्प्ले करता है? सारे प्रोग्राम्स एंड नेम्स एंड आइकन्स को वो डिस्प्ले करता है। तो हम देखते हैं चलो टास्क बार को। ओके, तो टास्क बार क्या डिस्प्ले कर रहा है? स्टार्ट विंडोज़, जो हमारा विंडो है ना स्टार्ट बटन वाला, तो वो उसके अंदर हम जाते हैं, एक्सेस प्रोग्राम्स इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, सारे हमको प्रोग्राम्स मिलते हैं ना, उसके अंदर जाके हमने पेंट को सर्च किया था, वर्ड पैड को सर्च किया था, तो स्टार्ट में जाके हमारे सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। देन क्विक लॉन्च टूल बार, जो हमारा क्विक लॉन्च टूल बार है वो क्या करता है? ओपन अ प्रोग्राम विथ अ सिंगल क्लिक। हमारा प्रोग्राम एक ही सिंगल क्लिक में ही हमको हमारा प्रोग्राम ओपन कर देता है। ओके, देन विंडोज़ वाला जो हमें ओपन प्रोग्राम दिया है, ओपन प्रोग्राम जो ऊपर लिखा है ना वो, और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है, शोज ऑल दी करंटली रनिंग प्रोग्राम्स ऑन दी कंप्यूटर। जैसे मैंने अभी आगे बताया ना आपको, हमारे जो करंट यूजिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो अभी हम यूज़ कर रहे होते हैं, वैसे ही हमको ये नीचे ओपन प्रोग्राम्स दिखता है, कहाँ पे? टास्क बार पे। ओके, नाउ विंडोज़ नोटिफिकेशन एरिया शोज आइकन्स ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स। सारे नोटिफिकेशन एरिया है ये राइट साइड पे, हमको सारे इमेजेस एंड सारे प्रोग्राम्स शो करता है वो। टाइम एंड डेट, टाइम भी दिखाता है, जैसे फ़ोन में है ना सब करंट प्रोग्राम्स, हमारे करंट एप्लीकेशंस बाहर दिखते हैं, हम मेन्यू में जाके व्हाट्सएप एंड गेम्स ना सब जाते हैं ना यूज़ करने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर में है, टाइम एंड डेट भी शो करता है राइट साइड पे। एंड शोज डेस्कटॉप बटन, बटन भी हमको शो करता है। ओके, नाउ फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल, फाइल क्या है? यू मस्ट हैव सीन प्लास्टिक एंड कार्डबोर्ड ऑफिस फोल्डर दैट कंटेन इम्पॉर्टेंट फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइल इंक्लूड्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, फोटोज एंड सॉन्ग्स। फाइल्स क्या है? आपने देखा है प्लास्टिक और कार्डबोर्ड की ऑफिस में फोल्डर्स होते हैं, हमारे घर पे भी होते हैं ना, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, फ़ोटोज़ रखते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल अलग बनाते हैं ना घर में, वैसे ऑफिसेज में भी होती है। ओके, तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल क्या है? फाइल्स इंक्लूड टैक्स, कुछ लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्प्रेडशीट्स यानी क्या, जिसके अंदर रोज एंड कॉलम से बनाया हुआ कोई प्रोग्राम लिखा हो, या हमारे इम्पोर्टेंट फ़ोटोज़ हो या सॉन्ग्स हो, कुछ भी हो सकता है, वो हम एक फाइल बना के सेव कर सकते हैं। ओके, ईच फाइल इज रिप्रेजेंटेड एज एन आइकन। आइकन यानी क्या? एक इमेज की तरह हर फाइल को वो कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है। इट हैज़ एन एक्सटेंशन एंड एट द एंड टू शो व्हाट काइंड ऑफ फाइल इट इज़। एक्सटेंशन यानी क्या? बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा हो जाता है, टू शो व्हाट काइंड ऑफ फाइल इट इज़, एक एक आइकन, एक एक इमेज को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल, अ वर्ड डॉक्यूमेंट हैज़ द एक्सटेंशन .doc और .docx। ओके, ये हम आगे प्रैक्टिकल में
सीखेंगे. नाउ फोल्डर. अ फोल्डर ऑन अ कंप्यूटर हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज योर फाइल सो दैट इट इज़ ईजी टू सर्च एंड फाइंड हैम. फोल्डर क्या है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हमारे फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उससे क्या हम सर्च कर सकते हैं, बहुत ईजीली हम उसे सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर पे. फॉर एग्जांपल माय पिक्चर फोल्डर्स कैन हैव अ कलेक्शन ऑफ ऑल योर पिक्चर्स. फॉर एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पे, हाँ अभी हमने फोल्डर बनाया माय पिक्चर्स, तो हम माय पिक्चर फोल्डर में जाके देख सकते हैं हमारे सारे पिक्चर्स का कलेक्शन, तो उसके अंदर हमारे सारे पिक्चर्स आएंगे. जैसे हमारे फ़ोन में भी होता है ना फ़ोटोज़, माय फ़ोटोज़, तो सारे अपने फ़ोटोज़ आते हैं. ओके, वैसे ही यहाँ पे फोल्डर के अंदर हम सारे अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, सर्चिंग इन विंडोज़ 7. यू कैन सर्च फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, टाइप इन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. हम स्टार्ट मेन्यू के अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हैं. जैसे हमने आगे मैंने आपको सिखाया था ना कि कुछ अगर स्टार्ट मेन्यू के एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रोग्राम हमें नहीं मिल रहा है तो हम सर्च करके उसको ढूंढ लेंगे. ओके, व्हेन विंडोज़ ओपन सर्च फर्दर एंड सी द कंटेंट्स ऑफ फाइल. जब हमारी विंडोज़ ओपन हो जाती है तो हम आगे उसके कंटेंट को देखेंगे. ओके, नाउ यहाँ पे हमको वर्डपैड का स्क्रीन दिया गया है, तो हम यहाँ पे ऊपर पहले पढ़ेंगे टाइटल बार. टाइटल बार क्या है, शोज़ द टाइटल ऑफ द प्रोग्राम एंड द ओपन फाइल. हमारा जो ओपन होता है ना जो प्रोग्राम हम जो अभी मतलब बना रहे हैं जो सीख रहे हैं, वो ओपन फाइल हमें वहाँ पे दिखेगी. ओके, मेन्यू बार. मेन्यू बार कहाँ पे है, होम, जहाँ पे होम लिखा होता है, जिसके अंदर जाके हम सब मेन्यूज अवेलेबल हमको मिलते हैं हमारे कमांड्स. ओके, देन मिनिमाइज़ बटन. मिनिमाइज़ बटन क्या है, जो हमें ये हमारी जो स्क्रीन है उसे शॉर्ट कर सकते हैं हम थोड़े समय के लिए, हम अगर उसको छोटी भी कर सकते हैं बाहर निकल के. हेल्प्स द विंडो गेट प्लेस्ड ऑन टास्क बार. ओके, हम थोड़ी छोटी कर सकते हैं. एंड मैक्सिमाइज़ बटन क्या है, जो बीच में है ना स्क्वायर शेप की तरह, वो फाइल क्या है, पूरी एंटायर स्क्रीन को हमारे प्रोग्राम से ही हमारे विंडोज से ही कवर कर लेगी, तो पूरी स्क्रीन पे हमको हमारी हमारा ही प्रोग्राम ही दिखेगा. ओके, मैक्सिमाइज बटन से. एंड क्लोज बटन. क्लोज बटन क्या है, जो सारे एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स को क्लोज कर देता है, जो रेड कलर का है ना एक्स लिखा हुआ वो. अब नीचे वर्क एरिया. इट इज़ दी वाइट एरिया वेर यू डू योर वर्क. जो वाइट स्क्रीन होती है जहाँ पे हम टाइप करते हैं वहाँ पे वर्क एरिया कहाया जाता है उसको. स्टेटस बार. स्टेटस बार शोज़ द करंट स्टेटस ऑफ द ओपन फाइल. स्टेटस बार क्या है, जो करंट फाइल हमने खोली होती है, ओपन की होती है, वो शो करता है वहाँ पे. और वर्टिकल स्क्रोल बार. इट इज़ ड्रैग्ड अप एंड डाउन टू सी कंटेंट नॉट विजिबल इन वर्क एरिया. साइड में होता है ना वो स्क्रोल बार, जो हम पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं स्क्रोल बार से, माउस से भी कर सकते हैं, हमने आगे ये सब पढ़ चुके हैं. ओके, स्क्रीन के बारे में, माउस के बारे में, कैसे स्क्रोल बार होता है, क्या टाइटल बार है, टास्क बार है, वर्किंग एरिया, सब हमने आगे पढ़ चुके हैं वर्ड पैड में, पेंट के अंदर, फिर फ्रेंड्स के लिए हमने नोटपैड में हमने लिखा था ना फ्रेंड के लिए इनविटेशन कार्ड. ओके, तो हमने सब पहले पढ़ चुके हैं, वैसा ही है. नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड पैड को एक्सप्लोर करेंगे. ओके चिल्ड्रन, ये सब समझ में आ गया. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.